हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 2 के शुरुआत में चमु चांगजाओ से कह रही होती है कि मुझे ये मेडिसिन चेंज करवानी होगी। चांगजाओ कहता है कि वो क्यों। चमु कहती है कि जिन पेशेंट्स को एलर्जी होती है वो ये मेडिसिन नहीं ले सकते। जब मैं हाई स्कूल में थी तो मैं एलर्जी की वजह से बेहोश हो गई थी। चांगजाओ कहते हैं कि तुम्हें चेंज करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम हाई स्कूल में इसलिए बेहोश हो गई थी क्योंकि तुम्हें सिर्फ पीनट से एलर्जी थी। अगर तुम ज्यादा पीनट नहीं खाते तो तुम कभी भी बेहोश ना होती। ये सुनकर शुमो कहती है कि क्या अब तुम मजीद प्रिटेंड नहीं करोगे, क्या तुम ऐसा करके मजा आ रहा था। चांगजाओ कहता है कि बारबेक्यू रेस्टोरेंट में तुमने ही तो कहा था कि तुम मुझे पहचान नहीं सकोगी। शुमो कहती है कि वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, बस इसी बात की वजह से तुमने इतने दिन मुझे पागल बनाने की कोशिश की है। चांगजाओ कहता है कि मेडिसिन लेने से पहले हमें डिनर कर लेना चाहिए। अब ये दोनों डिनर करने के लिए आ जाते हैं। शुमो कहती है कि हमने बहुत लंबे टाइम तक डेस्क शेयर किया था तो मुझे तो तुम्हें पहली नजर में ही देख कर पहचान जाना चाहिए था ताकि तुम मेरे साथ ये नाटक ना कर सकते। चांगजाओ कहते कि अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगले सुबह शुमो सोंगनयान के साथ शॉपिंग के लिए आ जाती है। कह रही होती है कि नशरला जानते हैं कि मुझे ठंड लग गई है, उसके बावजूद उन्होंने मुझे चांगजाओ के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए भेज दिया है। अब शुमो सोंगनयान के साथ चांगजाओ के लिए एक टाई खरीद लेती है। इतने में ही शुमो चांगजाओ का नाम सुनती है। जब ये पीछे मुड़कर देखती है तो एक लड़की जिसका नाम चंची होता है वो चांगजाओ से बात कर रही होती है। शुमो भी इनको देखने लगती है। चंची चांगजाओ का हाथ पकड़ के कहने लगती है कि मैं भी अभी कुछ दिन पहले वापस आई हूँ। चांगजाओ उस लड़की से अपना पीछे छुड़वाने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर सोंगनयान कहती है कि चांगजाओ तो मुश्किल में लग रहा है। इतने में इसको एक मैसेज आता है जिसको देख कर ये कहती है कि मुझे अपने एडिटर से मिलने के लिए जाना है तो तुम याद से गिफ्ट ले लेना। ये कहकर सोंगनयान यहाँ से चली जाती है। अब चांगजाओ शुमो को देख लेता है। शुमो तो जल्दी से साइड पर हो जाती है। चांगजाओ शुमो को आवाज देता है। जब शुमो को जवाब नहीं देती तो चांगजाओ उसके पास आ जाता है और ये कहने लगती है कि तुम भी यहाँ पर हो, कैसा इतफाक है। चांगजाओ कहता है कि क्या हमें देखकर तुम्हारी क्यूरियोसिटी खत्म हो गई है। चंची भी फौरन से चांगजाओ के पास आ जाती है। चांगजाओ अब शुमो से कहता है कि क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे दोपहर में कुछ बताने वाली हो। शुमो को इसकी बात समझ में नहीं आ रही तो ये इशारा करता है कि मेरी मदद करो, लेकिन शुमो कहने लगती है कि मुझे तो नहीं लगता कि मैंने आपसे ऐसा कुछ कहा था। चंची से पूछती है कि क्या तुम चांगजाओ की कोलीग हो, तो शुमो कहती है कि नहीं, ये सिर्फ मेरा एक क्लाइंट है। शुमो इन दोनों को बाय करके यहाँ से जाने वाली होती है कि सेल्स पर्सन आके कहने लगती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड की टाई पैक हो गई है। इसको लग रहा होता है कि शुमो अपने बॉयफ्रेंड के लिए टाई ले रही है और कहती है कि आपके कहने पर मैंने कार्ड पर चांगजाओ भी लिख दिया है। शुमो इसको चुप करवाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन ये सेल्स पर्सन तो चुप करने का नाम ही नहीं ले रही होती। ये सब सुनकर चांगजाओ हंस रहा होता है। जब ये सेल्स पर्सन यहाँ से जाती है तो शुमो एक्सप्लेन करने लगती है कि हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं है। शुमो चांगजाओ को इशारा करती है कि तुम मेरी मदद करो। चांगजाओ चंची से कहते हैं कि तुम्हें वापस चले जाना चाहिए, मेरी गर्लफ्रेंड को गुस्सा आ रहा है। ये देख कर चंची अपसेट हो जाती है, यहाँ से चली जाती है। शुमो कहती है कि तुमने ऐसा जानबूझकर किया है ना। चांगजाओ कहता है कि मैंने तो तुम्हारी मदद की है, तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे ये सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए। शुमो इसको बताने वाली होती है। चांगजाओ कहता है कि क्या तुम यहाँ पर सारी बात बताओगी। ये सुनकर शुमो कहती है कि फिर तुम बता दो कि हमें कहाँ जाना चाहिए। चांगजाओ कहता है कि हम रेस्टोरेंट चलते हैं। घर पर आने के बाद शुमो सारी बात सोंगनयान को बता रही होती है। सोंगनयान कहती है कि मेरे पास एक अच्छी खबर है, एक टेलीविजन कंपनी मेरा नॉवल खरीदने वाली है। शुमो ये सुनकर खुश होते हैं, उससे पूछते कि कंपनी का नाम क्या है तो सोंगनयान कहती है कि कंपनी का नाम डेजल है। शनि को उसके डैड ने अपनी कंपनी में इंटर्नशिप करने के लिए कहा होता है। शनि जब अपने टीम लीडर को अपना नाम बताते हैं तो उसके कुलीग हंसना शुरू कर देते हैं। शनि कहते हैं कि क्या मेरा नाम इतना फनी है, तो उसके कुलीग बताते हैं कि बहुत ही मशहूर नॉवल है जिसमें विलन का नाम शनि है। ये सुनते ही शनि नॉवल चेक करने के लिए बैठ जाता है और इसकी राइटर सोंगनयान होती है। ये नाम पढ़कर शनि को याद आता है कि हाई स्कूल में जब ये और सोंगनयान सफाई कर रहे होते हैं तो इन दोनों की सफाई को लेकर बहस हो जाती है। शनि से पूछ रहा होता है कि तुम कौन सी क्लास से हो, तो सोंगनयान कहती है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं। शनि बहाने से इसकी नोटबुक पकड़ लेता है और उस पर सोंगनयान ने अपना नाम सोंग जिनशन लिखा होता है और अब एज अ राइटर सोंगनयान इसी नाम का इस्तेमाल कर रही होती है। ये सब याद करने के बाद शनि कहता है कि दुनिया कितनी छोटी है। इसके बाद कैफे में सोंगनयान और शनि की टक्कर हो जाती है। शनि का फोन नीचे गिर जाता है। सोंगनयान जो फोन उठाने में मदद कर रही होती है तो ये इसी का नॉवल पढ़ रहा होता है, तो सोंगनयान कहती है कि तो ये मेरा फैन है। सोंगनयान सब इसको फोन दे रही होती है तो शनि भी इसको बहुत गौर से देख रहा होता है। सोंगनयान कहने लगती है कि हाँ मैं तुम्हारी आइडल सोंग जिनशन ही हूँ। ये कहने वाला होता है कि तुम्हारा कौन फैन है, तो ये अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, कहता है कि मैंने आपको पहचान लिया है। सोंगनयान इससे पूछने लगती है कि तुम कब से मेरे नॉवल्स पढ़ रहे हो। शनि कहता है कि जब मैं हाई स्कूल में था। ये सुनकर सोंगनयान बहुत हैरान होती है, कहती है कि उस टाइम पर तो मैंने नॉवल्स लिखना भी शुरू ही किए थे। ये शनि से कहती है कि तुम तो बहुत लॉयल फैन हो और पूछती है कि तुम्हारा
तुम्हारा कौन सा करेक्टर फेवरेट है? शनि कहता है कि मुझे तुम्हारे सारे करेक्टर्स पसंद हैं और खास तौर पर विलन। सोंगनियन कहती है कि मैं तुम्हें ऑटोग्राफ दे देती हूँ। अब सोंगनियन इसको ऑटोग्राफ देने लगती है तो शनि इसको अपना नाम बताता है और ये सुनते ही सोंगनियन हैरान हो जाती है और उसको पहचान भी लेती है। चुमू सोंगनियन से कह रही होती की क्या वाकई में ही हमारे हाई स्कूल वाला शनि था? सोंगनियन कहती की हाँ, और कौन मेरे साथ मजाक कर सकता है। दूसरी तरफ शनि जंगजा को बता रहा होता है की सुबह मुझे मालूम हो कि मैं नॉवल में मर गया हूँ और मेरी बदकिस्मती देखो कि दोपहर में उसी राइडर से मेरी मुलाकात भी हो गई। ये दोनों एक दूसरे की बुराई कर रहे होते हैं, कहते हैं कि हम दोनों दुश्मन हैं। अब जांगजा उससे पूछने लगता है कि हमारा कैफे कैसा चल रहा है तो शनि कहने लगता है कि बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। जब ये स्टैट्स चेक करता है तो कहता है कि इसके मुताबिक तो बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा। ये देखने के बाद शनि के पास कोई भी जवाब नहीं होता। अब शनि इसको अपना ऊपर वाला रूम दिखाने के लिए ले आता है और पूछता है कि तुम्हें ये रूम कैसा लगा। जांगजा कहता है कि मेरी इमेजिनेशन से तो काफी बेहतर है। जांगजा कहते हैं कि जब तुम्हारा बिजनेस कामयाब हो जाएगा तो तुम्हारे डैड को तुम पर बहुत गर्व होगा। जांगजा शनि को कुछ पैसे देते हुए कहता है कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। शनि लेना नहीं चाह रहा होता तो जांगजा ये कार्ड इसकी पॉकेट में डाल देता है। सोंगनियन जब शुमू को घर पर छोड़ती है तो अपने फ्लैट का शोर सुनकर ये कहने लगती है कि काम के बाद मुझे घर पर भी सुकून नहीं मिलता क्योंकि मेरी रूममेट बहुत ही अनोइंग है। सोंगनियन कहती है कि फिर तुम मेरे साथ क्यों नहीं शिफ्ट हो जाती। शुमू कहती है कि तुम्हारा घर ऑफिस से बहुत दूर है। ये सुनते ही सोंगनियन कहती है कि हम तुम्हारी कंपनी के करीब कोई फ्लैट तलाश कर लेते हैं, लेकिन शुमू इनकार कर देती है। जैसे ही सोंगनियन यहाँ से जाती है तो इसकी मॉम का मैसेज आता है कि इस हफ्ते फिर से तुम्हें ब्लाइंड डेट पर जाना है। अगली सुबह शुमू जब ऑफिस आ रही थी उसकी कलीग कहती है कि कंपनी में सबको मालूम हो गया है कि तुम और डायरेक्टर श्यांग हाई स्कूल में क्लासमेट थे। इसकी कलीग पूछने लगती है कि वो हाई स्कूल में कैसा था। शुमू जांगजाओ की बुराई कर रही होती कि इतने में जांगजाओ यहाँ पर आ जाता है। पूछने लगता है कि तुम लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे हो। शुमू तो कुछ नहीं कहती, इसके कलीग्स बहाने करने लगते हैं। जांगजाओ शुमू को अपने साथ ऊपर आने के लिए कहता है। अब मीटिंग के दौरान जानबूझ कर जांगजाओ शुमू को पानी लाने के लिए कहता है। शुमू इसके लिए पानी लेकर आती है तो ये पानी बहुत गर्म होता है। ये देखकर शुमू हंसने लगती है। आज ही होम स्टे ओपन हो गया होता है। इसको विजिट करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आ रहे होते हैं। कुछ ही देर बाद यहाँ पर जांगजाओ भी आ जाता है। शुमू इसको अपना सारा प्लान बताते हुए कहने लगती है कि तुम्हें ये सब कैसा लगा है। जांगजाओ कहता है कि अच्छा है। शुमू ये सुनकर आहिस्ता आवाज में कहने लगती है कि पहले की तरह ये कॉम्प्लीमेंट देने में आज भी कंजूस है। जांगजाओ इसे कहते हैं कि क्या तुमने कुछ कहा, तो शुमू कहती है कि नहीं। अब जांगजाओ यहाँ पर आकर बैठ जाता है तो कुछ ही देर बाद यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। मिस्टर लॉ से पूछते हैं कि आखिर ये क्या हुआ है तो उसको बताया जाता है कि ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है, इसीलिए हाई वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी चली गई और इसको फिक्स करने के लिए भी एक घंटा लग जाएगा। ये सुनकर मिस्टर लॉ बहुत परेशान हो रहे होते हैं, कहते हैं कि जल्दी से शुमो को कॉल करो। इतने में शुमो माइक लेकर यहाँ पर आ जाती है, कहने लगती है कि ये आइडिया मुझे तब आया था जब मुझे अपने काम से वापस आने में काफी देर हो गई थी। शुमो कहने लगती है कि मैं सोचने लगी कि मेरी लाइफ में से पेन कब खत्म होगी। जिंदगी में कुछ भी नया नहीं है, एक जैसा दिन बार बार रिपीट हो रहा है। फिर मुझे ख्याल आया कि अगर कोई मुझे कभी कभी सरप्राइज दे दिया करे, जैसे कि अभी आपको मिल रहा है, तो हम एक आम से दिन को भी खास बना सकते हैं। इतने में यहाँ पर ब्लू लाइट चलने लगती हैं, जिसको देखकर सभी लोग काफी खुश जाते हैं। ये देखकर जांगजाओ को भी अच्छा लग रहा होता है। मिस्टर लॉ शुमू की तारीफ करने लगते हैं कि तुमने सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। ये देखकर जांगजाओ भी मुस्कुरा रहा होता है। शुमू जब जांगजाओ के पास आती है तो जांगजाओ कहता है कि काफी अच्छा सोल्यूशन था। शुमू जांगजाओ उसे कहने लगती है कि ये मोमेंट कैप्चर करने वाला है, इसलिए हम साथ में पिक्चर लेते हैं। फिर जांगजाओ और शुमू साथ में पिक्चर लेते हैं। अब इनके इसी प्रोजेक्ट की वीडियो वायरल हो गई होती है। मिस्टर लॉन को बताते हैं कि इस वीडियो पर इनको 3.5 मिलियन व्यूज मिले हैं। ये सुनते ही सभी कलीग्स कहने लगते हैं कि आपको अब हमें डिनर पर लेकर जाना होगा। फिर मिस्टर लॉ इन सबको डिनर के लिए ले आते हैं। यूसी कहने लगती है कि मिस्टर लॉ हमारी सेलिब्रेशन पार्टी पर डायरेक्टर जांग क्यों नहीं आए, तो मिस्टर लॉ कहते हैं कि वो बस पहुंचने वाले होंगे। अब ये लोग यहाँ पर ट्रूथ एंड डेयर खेलने लगते हैं। शुमू की जब बारी आती है तो ये डेयर चूज करती है। यूसी कहने लगती है कि इस रेस्टोरेंट में अभी जो भी आएगा तो मैं उसको हक करनी होगी। अब ये लोग इंतजार करने लगते हैं कि रेस्टोरेंट में कौन आएगा। कुछ देर बाद यहाँ पर जांगजाओ आ जाता है और यूसी जांगजाओ को बताती है कि हम गेम खेल रहे हैं और ये भी बताती है कि शुमू को क्या डेयर मिला है। अब शुमू डेयर करने के लिए खड़ी हो जाती है और ये जांगजाओ को देखकर कहने लगती है कि यहाँ पर मुझे दो डायरेक्टर क्यों दिखाई दे रहे हैं। जांगजाओ कहता है कि यहाँ पर सिर्फ मैं ही हूँ। अब शुमू अपना डेयर कम्प्लीट करने के लिए जांगजाओ को हक करती है। अब शुमू अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाती है और जांगजाओ शुमू को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 2 खत्म हो जाती है।